बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे थे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो हम कल हमने जैन जो मज़हब है, जैन जो धर्म है, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो जो जैन धर्म जिसने स्थापित किया था, जिसने वो फॉलो किया था, जो उसने बनाया था, वो क्या था? महावीरा नाम उसका था, वर्धमान महावीरा था। और उसका मानना था कि अगर आपको ज़िंदगी की सच्चाई जाननी है, ज़िंदगी की सच्चाई आपको ढूंढनी है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और उन्होंने खुद भी 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, जिसके बाद वो जंगलों में रहे थे, और अकेले ही उन्होंने 12 साल जंगलों में बिताया था। उसके बाद उसको शिक्षा थी, वो क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। तो आज हम पढ़ेंगे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैन, मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स। जो उसके रूल्स बनाए गए थे कि उनको क्या करना था, कि हर एक चीज़ उनको सेक्रीफाई करनी थी। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जो आदमी होते थे उनको सब कुछ सेक्रीफाई करना था, यहाँ तक उनका अपने कपड़े भी सेक्रीफाई करने पड़ते थे, और उनको पूरा पूरा जब तक वो जिंदा है उनको शादी नहीं करनी होती। और बोला है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है, जो इस इनके रूल्स जो इन्होंने रूल सेट किए थे तो उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल था आदमी और औरतों दोनों के लिए। नेवर द लेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा और जिंदगी नई जिंदगी जीने के लिए वो पढ़ने लगे। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स। बहुत सारे क्या किया लोग, बहुत सारे लोगों ने पीछे रह के इनको सपोर्ट किया, जो क्या बन गए थे? मॉन्क्स एंड नंस, जो साधु संत बन गए थे, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उनको सपोर्ट किया, उनको पीछे रह के उनको सपोर्ट किया, प्रोवाइडिंग देम विद फूड, की उनको खाना दिया गया। जेनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। जो मजहब है, जो धर्म है, उसको जो उनको सपोर्ट खासकर उन्होंने किया, जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस करते थे, जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे बेचने के लिए, या किसान जो जमींदार होते थे, उन्होंने उसको ज़्यादा सपोर्ट किया। हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट दियर क्रॉप, जिनको अपनी फसल बचाने के लिए क्या करते थे, वो कीड़े मकोड़ों को मारते थे। फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल, उनको ज़्यादा मुश्किल हुई ये रूल्स फॉलो करने में। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। बहुत सारे लगभग 100 साल से ज़्यादा टाइम लगा, जो जैनिज्म धर्म है, ये नॉर्थ कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में फैल गया है, एंड टू गुजरात, और कहाँ फैला? गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ऑरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। जो महावीरा और उसके फॉलोअर्स ने जितनी भी टीचिंग, जितना भी पढ़ाया था, वो अलग अलग लोगों तक पहुँचा, ऑरली जबानी अलग अलग लोगों तक पहुँचा बहुत सारे सेंचुरीज। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट ए प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। वो अब उनको फिर रिटन फॉर्म उनको फिर लिखा गया, जो कहाँ पर है, अब उनकी जो लिखे गए उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर आजकल? वल्लभी कहाँ है? गुजरात में, अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 साल पहले। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा, द संघा। बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। दोनों जो महावीर थे और जो बुद्धा थे, गौतम बुद्धा थे, उनको उनको ये महसूस हुआ कि जो लोग घर छोड़ेंगे उन्हीं को ही सच्ची, जो उनकी सच्ची ही नॉलेज प्राप्त होगी, सच्ची नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संगा। उन्होंने उन लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई, सुविधा बनाई उन्होंने, ताकि वो एक साथ संगा में रह गए। एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट दियर होम। संगा वो एसोसिएशन है, उन लोगों की एक एसोसिएशन, उन लोगों का ग्रुप है वो, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संगा वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड द विनायका पिटिका। जो रूल्स जो बुद्धिस्ट संगा के लिए जो रूल बनाए गए थे, वो एक बुक में उनको एक फिर एक किताब में उतारा गया, और उस किताब का नाम क्या है? विनाया पिटिका। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन। जिससे हमको पता लगता है कि तब क्या थी, अलग अलग हिस्से थे, अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई थी आदमी और औरतों की। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संगा, हर कोई आदमी वो ज्वाइन संगा कर सकता है, संगा को ज्वाइन कर सकता था। हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स। जबकि जो बच्चे अगर संगा ज्वाइन करना चाहते थे, उनको अपने माता पिता की परमिशन
इजाजत लेनी पड़ती थी, और जो ये नौकर थे उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी इजाजत लेनी पड़ती थी। दूज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन एंड डेबिटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, और जो जो राजा के लिए काम करते थे उनको राजा से परमिशन लेने पड़ता था। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और जो औरतें थीं उनको अपने पति की परमिशन लेनी पड़ती थी ताकि वो संघा को ज्वाइन कर सकते थे। तो आज की क्लास में हम बच्चों इतने ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।